Suppose f is a real valued function, f is a real valued function and a is a point in its domain, and small a is a point in its domain in its domain then derivative of fx at x is equal to a, derivative of fx at x is equal to a, ये क्या हो गया, इसको हम बोलेंगे f dash a, लिखने का तरीका f dash a is equal to limit h tending to zero f a plus h minus f a, f a plus h minus f a upon h. बस ये फॉर्मूला याद रखना है और अब आगे इसमें क्वेश्चंस देखना शुरू करिए. मैं अभी कोई भी आपको डिफरेंस बिल्कुल नहीं आता है, लिमिट वगैरह क्या है, बिल्कुल कोई बात नहीं. तो मैं उसी के लिए तो हूँ, बताने के लिए तो हूँ, मैं बताता जाऊंगा, आप देखते जाओ. अभी सिर्फ ये फॉर्मूला याद रखना है और फिर उसके बाद मैं आगे स्टार्ट करता हूँ, समझ में आ जाएगा. फॉर्मूला एफ इंटू ए प्लस एच है, f into a plus h नहीं है, बट ब्रैकेट में a plus h लिखा हुआ है, यानी कि जैसे हम fx कहते थे, जैसे ये होता है fx is equal to 2x plus 5, तो यहाँ पर क्या है, ये एक ऐसा फंक्शन है जिसमें वेरिएबल जो है वो x है, तो वैल्यूज चेंज होती चली जाएंगी. मान लो मैंने कहा f1, तो ये क्या हो जाएगा, 2 into 1 plus 5 क्या हो गया, 7. ऐसे ही अगर मान लीजिए बोला f2, तो ये क्या हो गया, 2 into 2 plus 5 मतलब 9, ठीक है. तो फंक्शन ऑफ एक्स कहलाता है ये. इसी तरह से एफ के आगे अगर ब्रैकेट में मैंने ए प्लस एच डाल दिया, तो 2 × a + h + 5, ये फंक्शन चेंज होता रहता है, ये फंक्शन चेंज होता रहता है, कोई भी फंक्शन हो सकता है. ये मैंने एक एग्जांपल के तौर पर बताया आपको, समझ गए, इतना क्लियर है, ठीक है. अब आगे चलते हैं, देखिएगा. हमने लिमिट्स पहले करा था, हो सकता है कई बच्चे लिमिट्स भूल चुके हों कि किस तरीके से करना है, तो मैं क्वेश्चंस के साथ साथ बताता चलूंगा आपको कि लिमिट कैसे करना है. नहीं, इस फॉर्मूले का डेरिवेशन नहीं आएगा, ठीक है, इस फॉर्मूले से सारे फॉर्मूले डिराइव हो जाएंगे. तो सबसे पहले हमें यही करना है कि फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड से किसी का भी डेरिवेटिव मैं निकाल सकता हूं. अगर एग्जाम में टाइम बचे आपके पास और मतलब ऐसा बाई चांस ऐसा हो जाए कि आप फॉर्मूले भूल जाएं, भूलोगे नहीं, बहुत आसान फॉर्मूले हैं, तो अगर आप फॉर्मूले भूल जाएं, डायरेक्ट फॉर्मूले भूल जाएं, तो फिर इस मेथड से आप किसी का भी डेरिवेटिव निकाल सकते हैं, ठीक है. चलिए अब एग्जांपल नंबर 5 है, पेज नंबर 304. एग्जाम्पल फाइव में है, फाइंड द डेरिवेटिव at x is equal to 2 of the function fx is equal to 3x. Find the derivative at x is equal to 2 and the derivative at x is equal to 2 of the function fx is equal to 3x. fx is equal to 3x. अब देखिएगा, मुझे दो चीजें चाहिए होती हैं जब भी डेरिवेटिव निकालना है. एक तो जैसे fx is equal to 3x दे दिया, तो फंक्शन मेरे पास है, पहली चीज. उसके अलावा इन्होंने बोला कहां पर निकालना है, at x is equal to 2. यहां पर क्या था, डेरिवेटिव क्या निकाला, डेरिवेटिव ऑफ एफएक्स, एफएक्स चाहिए था एक तो, और एक्स इज इक्वल टू ए चाहिए था, तो एफएक्स मेरे पास क्या आ गया, 3x.
और x इज इक्वल टू ए था यहाँ पर, तो ए की जगह क्या आ गया, टू, x इज इक्वल टू टू, ठीक है। तो अब जो मैं निकालूंगा वो मैं क्या निकालूंगा, एफ डैश ए था, तो अब ए क्या है वहां पर, टू, तो एफ डैश टू निकाल रहा हूँ अब मैं क्या निकालूंगा, एफ डैश टू। तो आप लिखें यहाँ पर एफ डैश टू, एफ डैश टू क्या हो जाएगा, फॉर्मूला लिखिएगा पहले, फॉर्मूला क्या है, लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो लिखिए। हाँ, कुछ यूज नहीं होना यहाँ पर, कुछ भी हो, x इज इक्वल टू टू हो, x इज इक्वल टू थ्री हो, फोर हो, 1 लाख हो, 1 करोड़ हो, कुछ भी हो, आपको लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो ही लिखना है, बस ये सीधा फॉर्मूला याद रखिए। तो आप क्या लिखेंगे, लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो, पहले तो ये लिख दिया, फिर क्या है, एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए, और ए क्या है, टू, तो एफ टू प्लस एच, एफ टू प्लस एच माइनस एफ टू अपॉन एच, फॉर्मूला है, यहां तक बता दीजिए, ऑनलाइन वाले बच्चे बताएं क्लियर है कि नहीं, यहां यस सर, तक यस समझ गए। सर, मैंने यही फॉर्मूला लिखा है, बस जहां पर ए था वहां पर मैंने टू लिख दिया, बिकॉज डेरिवेटिव निकाला जा रहा था एक्स इज इक्वल टू ए पर, अब हम कहां निकाल रहे हैं, एक्स इज इक्वल टू टू पर, ठीक है। आगे चलते हैं, लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो, अब मैं ना रफ में आपको बताता हूँ, जैसे एफ एक्स इज इक्वल टू थ्री एक्स है, क्या दे रखा है, एफ एक्स इज इक्वल टू थ्री एक्स, ब्रैकेट में एक्स है तो 3 x है, ठीक है, ये दे रखा है हमको फंक्शन की, ये फंक्शन ये है इस क्वेश्चन में। तो अगर मैं एफ टू प्लस एच निकालूंगा तो एफ टू प्लस एच क्या आ जाएगा, जब ब्रैकेट में एक्स था तो 3 x, ब्रैकेट में 2 + h है तो क्या हो जाएगा, 3 × 2 + h हो गया, यही कर दीजिए यहाँ, एफ टू प्लस एच की जगह क्या लिखेंगे, 3 × 2 + h, माइनस एफ टू क्या हो जाएगा, जब एफ एक्स था तो 3 × x, जब एफ टू होगा तो 3 × 2, ठीक, तो -3 × 2 और अपॉन में h, ये बताओ सर बस बेटी। यही तो देखा है कि एफ की वैल्यू 3 दे रखी है बस। क्या ये दे रखा है, फंक्शन दे रखा है एफ एक्स इज इक्वल टू 3 x गिवन है, तो अगर बस हम इसको फॉर्मूले में देखें तो वही एफ ए वाला मतलब फॉर्मूला है, तो बस मतलब वो तो कंपेयर पुटी तो किया है बस सिर्फ एंड सब्सिट्यूट ही करा है, कुछ नहीं करा, बस वैल्यू सब्सिट्यूट करी है, एक बार एक्स की जगह 2 + h डाल दिया, एक बार एक्स की जगह 2 डाल दिया, बस, ठीक है, बताइए भाई क्लियर है, ठीक यस सर। है। लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो, अब इसको एक्सपेंड कर दो, 3 × 2 कितना हो गया, 6, और 3 × h क्या हो गया, 3 h, -3 × 2 = 6 अपॉन h, -6 + 6 कैंसिल आउट हो गया, लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो 3 h अपॉन h, h से h कैंसिल आउट हो गया तो केवल 3 बचा। अब यहां पर h की वैल्यू 0 रखने के लिए तो कुछ बचा नहीं मेरे पास, तो 3 है, सिर्फ कांस्टेंट है, तो आंसर इसका 3 आ गया, बस। अगर मान लीजिए यहां पर कुछ होता जिसमें h दे रखा होता, तो फाइनली जब कुछ भी सिंप्लीफिकेशन की गुंजाइश नहीं बचती, जब पूरा सिंप्लीफाई हो चुका होता ये, तो तब मैं एच की वैल्यू 0 डाल देता, और एच की वैल्यू 0 डाल देते और तब जो रिजल्ट आता वो आंसर होता। अब यहां पर तो एच से एच कट गया, तो एच बचा ही नहीं, तो एच की वैल्यू 0 डालोगे कहां, कहीं भी नहीं, तो 3 बचा है, तो आंसर 3 ही आ गया बस, ठीक है। क्लियर भाई। चलिए जी, एग्जाम्पल नंबर 5 था, उसके बाद एग्जाम्पल नंबर 6 देखिए। जब तक डिफरेंशियल्स के फॉर्मूले आपको बताना दूं मैं, अभी तो बस पहला एक फॉर्मूला बताया, जब तक डिफरेंशियल्स के फॉर्मूले ना बता दो, यही फॉर्मूला रटे रखना, इसी फॉर्मूले को लगाते रहना हर क्वेश्चन में, सीधा होएगा क्वेश्चन। देखिए एग्जांपल नंबर 6 है, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन, फाइंड द डेरिवेटिव, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू टू एक्स स्क्वायर प्लस 3 x -5 एट एक्स इज इक्वल टू -1, फुल स्टॉप। ऑल्सो प्रूव दैट, ऑल्सो प्रूव दैट, ऑल्सो प्रूव दैट एफ डैश जीरो ऑल्सो प्रूव दैट एफ डैश जीरो
प्लस थ्री एफ डैश माइनस वन, प्लस थ्री एफ डैश माइनस वन इज इक्वल टू जीरो, इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो ये जो ऑल्सो प्रूव दैट वाला है इसको तो बाद में करते हैं, पहले वो बोल रहे हैं फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू दिस एट एक्स इज इक्वल टू माइनस वन। ठीक है, तो एफ एक्स मेरे को दे रखा है, एक्स इज इक्वल टू ए दे रखा है, अब ए की वैल्यू क्या है माइनस वन, समझ गए। तो मैं सबसे पहले क्या करूंगा, एट एक्स इज इक्वल टू ए पर क्या होता है एफ डैश ए, तो एट एक्स इज इक्वल टू माइनस वन पर क्या होगा एफ डैश माइनस वन। ठीक है, तो एफ डैश माइनस वन करेंगे, यहाँ पर फॉर्मूला लगाइए एफ डैश माइनस वन इज इक्वल टू लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो एफ, ए प्लस एच था तो अब क्या हो जाएगा माइनस वन प्लस एच माइनस एफ ए यानी कि एफ माइनस वन और अपॉन में एच इज इक्वल टू लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो एफ माइनस वन प्लस एच। सोचिए जब एफ एक्स था तो जहां जहां पर x आ रहा है अब x की जगह माइनस वन प्लस एच सब्सटीट्यूट कर देना है बस, समझ गए। इस पूरे एक्सप्रेशन में जहां जहां पर x आ रहा है वहां वहां पर आपको माइनस वन प्लस एच सब्सटीट्यूट कर देना है। तो ये हो जाएगा, मैं एक स्क्वायर ब्रैकेट लगा रहा हूँ यहाँ पर, टू इंटू माइनस वन प्लस एच का स्क्वायर प्लस थ्री इंटू माइनस वन प्लस एच और माइनस फाइव, ये हुआ f माइनस वन प्लस एच। ठीक, माइनस एफ माइनस वन, एफ माइनस वन का मतलब क्या है कि ये जो एफ एक्स है इसमें जहां जहां पर एक्स है वहां वहां पर माइनस वन डाल दीजिए। ठीक है, एक और ब्रैकेट लगाओ, टू इंटू माइनस वन का स्क्वायर प्लस थ्री इंटू माइनस वन माइनस फाइव ब्रैकेट क्लोज और अपॉन में एच। ये बताइए ये समझ में आता है कि नहीं। ठीक है भाई, नहीं आया समझ में, देखिए क्या था कि f माइनस वन प्लस एच। ठीक, तो f माइनस वन प्लस एच क्या हो जाएगा, हमें जो जैसे ये फॉर्मूला है ना f a प्लस एच, तो यहाँ पर क्या बोल रहे हैं fx का डेरिवेटिव निकालना है at x is equal to, at x is equal to a, fx का डेरिवेटिव। तो अब मुझे f डैश a निकालना है, तो अब मेरे पास क्या है at x is equal to माइनस वन, तो जो माइनस वन है ये मेरे लिए a हो गया, तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ f डैश माइनस वन। तो अब जहां जहां पर फॉर्मूले में a था वहां वहां पर माइनस वन डाल दूंगा, तो f a प्लस एच था तो f माइनस वन प्लस एच हो गया, माइनस f माइनस वन हो गया, माइनस वन प्लस एच माइनस f माइनस वन अपॉन में h था ही। फिर जो एफ एक्स है वो है टू एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स माइनस फाइव। हम क्या कर रहे हैं कि पहले पहले वाले में देखो टर्म में क्या है, ब्रैकेट में f के आगे क्या है माइनस वन प्लस एच, तो जहां जहां पर x है वहां वहां पर माइनस वन प्लस एच सब्सिट्यूट कर दो। तो 2x square था तो 2 into minus 1 plus h का square, plus 3x था तो x की जगह minus 1 plus h, minus 5 था तो minus 5 तो constant है वो empty। फिर minus f minus 1, अब f के आगे bracket में क्या minus 1, तो जो जहां जहां पर fx में x था वहां वहां पर minus 1 रख दो, तो 2 into minus 1 का square plus 3 into minus 1 minus 5, बीच में minus का sign कहां से, ये वाला, ये वाला नहीं आया समझ में। अच्छा, तो f माइनस वन प्लस एच तो आ गया समझ में, तो f माइनस वन प्लस एच आगे फिर है माइनस का साइन, तो माइनस तो ये हो गया माइनस वन प्लस एच, तो ये पूरा ब्रैकेट हो गया, फिर माइनस ये, फिर f माइनस वन क्या होगा, जहां जहां पर x है वहां वहां पर माइनस वन डाल दो, तो टू इंटू माइनस वन का स्क्वायर प्लस थ्री इंटू माइनस वन, थ्री इंटू माइनस वन और माइनस फाइव, तो ये जो पूरा बड़ा ब्रैकेट बन गया ये बन गया f माइनस वन, ऊपर वाला जो बड़ा ब्रैकेट है ये था f माइनस वन प्लस एच, बीच में माइनस का साइन है और अपॉन में एच। सर ये f की वैल्यू क्या है, मुझे मुझे समझ नहीं आ पा रहा। बेटा फंक्शन है ये f x फंक्शन ऑफ x, ये सर मेरे को यहाँ तक समझ आ गया कि आपने a की जगह माइनस वन रखा है। हाँ ठीक है, उसके बाद उसके बाद जब भी कभी मेरे से ये कहा जाता है, मान लो ये एफ एक्स है, एफ एक्स दे रखा पहले, यहां तक सभी ने नोट कर लिया, उसके बाद मैं ये इन्हें समझा देता हूँ, ये नोट करने की जरूरत नहीं है, इसके बाद मैं अभी आता हूँ आगे। देखो भाई ध्यान दो, जैसे टू एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स माइनस फाइव है, अगर आपसे कोई कहने लगे कि आप एफ टू कैलकुलेट करो, एफ टू, तो आप क्या करेंगे, आप कहेंगे ठीक है
जहां पर भी x है वहां पर मैं 2 डाल दूंगा, तो हमने f2 कर दिया, तो 2 और x की जगह क्या डाल देंगे अब आप, 2, भाई x की जगह 2 आ गया ना, तो ये 2 तो एज इट इज है, इस x की जगह 2 डालो, तो क्या आ गया 2 का स्क्वायर प्लस 3 × 2 और -5, 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, 4 × 2 = 8, 3 × 2 = 6, -5 8 + 6 = 14, 14 - 5 = 9, ये हो गया। इसी तरह से ये कहा जा रहा है कि f -1 + h, तो जैसे 2 × 2 का स्क्वायर करा ऐसे 2 × -1 + h का स्क्वायर, क्योंकि ब्रैकेट में -1 + h है, तो 2 × -1 + h का स्क्वायर प्लस 3 × -1 + h और -5, बस ये करा है हमने। ये बताओ ये वाला समझ गए? हाँ सर, यही वाले में इसमें 2 2 × 2 करें। हाँ भाई, 2x² है ना, 2x² है, तो x की जगह -1 + h डाल दिया, तो 2 - 1 + h का स्क्वायर, x की जगह -1 + h सब्सटीट्यूट करा है बस, ठीक है। और सर जो फिर फॉर्मूले में एफ था, अब वो तो खत्म हो गया ना भाई, फॉर्मूले में ये जो एफ एक्स था तो यहां पर ही तो था, लेफ्ट हैंड साइड में एफ, यहां पर तो एफ था ही नहीं, यहां पर तो एफ था ही नहीं, समझ गए? तो ओके सर। ये फंक्शन है, फंक्शन का मतलब क्या है कि ये मतलब हमें ये बता रखा है कि इसमें ये जो फंक्शन है इसमें वेरिएबल जो है वो एक्स है, वेरिएबल एक्स का मतलब एक्स जो है वो वेरी करेगा, तो एक बार एक्स की वैल्यू हो गई -1 + h, तो हमने जहां जहां पर एक्स था वहां वहां पर -1 + h डाला, एक बार एक्स की वैल्यू हो गई -1, तो जहां जहां पर एक्स था वहां वहां पर -1 डाला, ठीक है। अच्छा समझ गए हो ना, बता दो भाई, भूमि समझ में आ गया हाँ सर, शायद। शायद, तो इसको इसको दोबारा करना फिर एक बार, अच्छा हाँ इसको दोबारा करना, कोई इसमें वैसी बात नहीं है। चलिए अब मैं क्या करूंगा, अब हम ये जो पहली वाली वैल्यू आई है इसको एक्सपेंड कर देते हैं, लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो, तो पहला ब्रैकेट 2 - 1 + h का होल स्क्वायर, तो -1 + h एक तरह से क्या हो गया, h-1, -1 + h को प्लस h-1, तो h-1 हो गया ना, तो h का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर -2 × h × 1, फिर इसको एक्सपेंड करो, 3 × -1 क्या हो जाएगा -3, 3 × प्लस का h क्या हो जाएगा प्लस का 3h, और -5 स्क्वायर ब्रैकेट ये क्लोज हो गया, माइनस दूसरा स्क्वायर ब्रैकेट, -1 का स्क्वायर होता है +1 + 1 × 2 हो गया 2, 3 × -1 हो गया -3, और लास्ट में तो -5 है ही, और अपॉन में आ गया हमारा h, लिमिट h→0। अब पहला जो स्क्वायर ब्रैकेट है ये देखिए, 2 × h² क्या हो गया 2h², 2 × 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर क्या होता है 1, और 1 × 2 हो गया 2, और ये हो जाएगा -2h, -2h × 2 -4h, -3 +3h -5 ब्रैकेट क्लोज, माइनस -3 - 5 हो गया -8, -8 + 2 हो गया -6, और बाहर माइनस का साइन है तो ये हो गया बेटा +6, और अपॉन में h, लिमिट h→0, 2h² -4h +3h कितना हो जाएगा -h, -4h + 3h हो गया -h, और -3 - 5 हो गया -8, -8 + 2 हो गया -6, और बाद में +6 है ही, +6 अपॉन एच, -6 + 6 कैंसिल आउट हो गया। अब न्यूमरेटर में देखिए 2h² - h आया, लिमिट h→0 2h² - h, तो न्यूमरेटर में मैंने h कॉमन ले लिया, तो क्या बचा 2h - 1 अपॉन एच, ये एच से एच कैंसिल आउट हो गया, अब क्या बचा केवल 2h - 1 बचा, ठीक है। अब और कुछ सिंप्लीफाई ये हो नहीं सकता, जितना होना था हो गया, अब एच की वैल्यू 0 डाल दो यहाँ पर,
एच की जगह जीरो डाल दो तो टू इंटू जीरो माइनस वन, तो रिजल्ट क्या आ गया माइनस वन। तो पहला काम तो हमारा हो गया, इन्होंने बोला था कि फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल दिस एट एक्स इज इक्वल टू माइनस वन, तो एफ डैश माइनस वन निकल गया। उसके बाद देखिएगा उन्होंने कहा ऑल्सो प्रूव दैट एफ डैश जीरो प्लस थ्री इंटू एफ डैश माइनस वन इज इक्वल टू जीरो, ये प्रूव करना है। तो देखिए एफ डैश माइनस वन तो मैं निकाल चुका हूँ, एफ डैश जीरो और निकालना है, अब एफ डैश जीरो और निकालना है, समझ गए। एफ डैश जीरो निकालने का मतलब क्या है कि इस फंक्शन का डेरिवेटिव एट एक्स इज इक्वल टू जीरो। जब इस फंक्शन का डेरिवेटिव एट एक्स इज इक्वल टू माइनस वन निकाला तो उसको मैंने बोला एफ डैश माइनस वन, एफ डैश माइनस वन। तो अब इसी फंक्शन का डेरिवेटिव जब एक्स इज इक्वल टू जीरो पर निकालूंगा तो वो हो जाएगा एफ डैश जीरो, समझ गए। ठीक है, फॉर्मूला लगाएंगे फॉर्मूला सेम है ही हमारा, एफ डैश जीरो ये क्या हो जाएगा, लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो क्या होता है एफ ए प्लस एच, ए क्या है जीरो, तो एफ जीरो प्लस एच माइनस एफ ए मतलब एफ जीरो अपॉन एच, लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो, एफ जीरो प्लस एच का मतलब हो गया बेटा एफ एच माइनस एफ जीरो अपॉन एच। अब लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो, एफ एच का मतलब क्या, कुछ भी नहीं, जैसे एफ एक्स था तो जहां जहां पर एक्स है वहां वहां पर अब क्या डाल दें, एच डाल दें बस। तो वो था टू एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स माइनस फाइव, ये क्या हो जाएगा टू एच स्क्वायर प्लस थ्री एच माइनस फाइव, ये तो हो गया पहला ब्रैकेट। माइनस एफ जीरो, एफ जीरो का मतलब क्या, ये जो फंक्शन है एफ एक्स इसमें जहां पर एक्स है वहां पर जीरो डालो, तो क्या हो जाएगा टू इंटू जीरो का स्क्वायर प्लस थ्री इंटू जीरो माइनस फाइव ब्रैकेट क्लोज और अपॉन में एच, अपॉन में एच, ये हो गया लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो 2h square plus 3h minus 5। भाई 2 into 0 का square 0, 3 into 0 0, तो यहाँ क्या बचा केवल minus 5, minus 5 into minus कितना हो गया plus 5 और upon में h, minus 5 plus 5 cancel out हो गया, यहाँ बचता है हमारे पास 2h square plus 3h। तो मैं numerator में h common ले सकता हूँ, limit h tending to 0, मैंने numerator में h ले लिया common, ब्रैकेट में बचा 2h प्लस 3 अपॉन h, h से h कट गया, अब h की जगह यहाँ 0 डाल दिया तो क्या हो जाएगा 2 इंटू 0 प्लस 3, तो रिजल्ट क्या आ गया 3, समझ गए। तो f डैश 1 की, f डैश माइनस 1 की वैल्यू आ गई माइनस 1 और f डैश 0 की वैल्यू आ गई 3, सभी को क्लियर। ऑनलाइन वाले बच्चे बताएं क्लियर है, अर्जुन yes, गोपी देवशी हर्षिता पार्थ स्नेहा बताइए, यस सर, यस सर, विदुषी क्लियर है, यस सर, ठीक है। चलिए उसके बाद मुझे प्रूव क्या करना है, एफ डैश जीरो प्लस थ्री एफ डैश माइनस वन इज इक्वल टू जीरो। तो लेफ्ट हैंड साइड के तो सारे टर्म्स मुझे पता ही है, राइट हैंड साइड इज इक्वल टू जीरो आना चाहिए, हो जाएगा। तो वही अपना तरीका, लेफ्ट हैंड साइड एल एच एस इज इक्वल टू क्या दिया है एफ डैश जीरो प्लस थ्री इंटू एफ डैश माइनस वन, ये हो गया। अब देखिएगा एफ डैश जीरो क्या होता है, एफ डैश जीरो की वैल्यू आई है 3, तो यहां लिखेंगे आप 3 प्लस 3 इंटू एफ डैश माइनस वन, एफ डैश माइनस वन की वैल्यू क्या है माइनस वन, तो थ्री इंटू माइनस वन
थ्री इंटू माइनस वन क्या हो गया माइनस थ्री, तो थ्री माइनस थ्री कैंसल आउट हो गया, रिजल्ट क्या आ गया जीरो, यही तो प्रूव करना था, इज इक्वल टू आर एच एस। बताइए ठीक है कि नहीं। एग्जाम्पल नंबर सेवन देखेंगे। एग्जाम्पल नंबर सेवन, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स एट एक्स इज इक्वल टू जीरो। फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स एट and the derivative of sin x at x is equal to 0. Same formula लगाना है, try करिए, मैं बस एक मिनट में आ रहा हूँ। Formula एक ही है, मुझे क्या करना है, at x is equal to 0, तो यानी कि a की value तो 0 दे दी ना यहाँ पर, a की वैल्यू तो जीरो दे दी, और फंक्शन वो फॉर्मूला वही है f डैश a प्लस h माइनस f a अपॉन h, करिए ना एक मिनट में। आपने से कोई गाने सुनता हुआ भी मैथ्स करता है? हो जाता है, बढ़िया रिदम बन जाता है। मेरे साथ तो ऐसा था ही नहीं, हमारे टाइम पर गाने थे, मोबाइल फोन तो था नहीं, तो गानों में ही दिमाग चला जाता था सारा, और फिर पढ़ाई एक्साइट हो जाती थी। तो ऐसे हो जाता है कि एक हाथ में मोबाइल और एक हाथ में पेन, ये भी हो जाता है, डिस्टर्बेंस नहीं होता इससे। अच्छा, हम तो जैसे, अच्छा, जैसे व्हाट्सएप पर मैसेज करते हैं तो कई बार आपने देखा होगा सड़क पर चलते हुए या नीचे सोसाइटी में घूमोगे तो कई लोग मोबाइल में लगे रहते हैं, व्हाट्सएप पर कुछ ना कुछ करते रहते हैं, तो अलग अलग तरीके के एक्सप्रेशन आते हैं उनके चेहरे पर, है ना, कभी गुस्से के एक्सप्रेशन, कभी मुस्कुराते हुए एक्सप्रेशन, कोई कोई तो ऐसे करके हंसता भी है, ये भी होता है। तो वो ऐसा होता क्यों है, हमने जब मैसेज करा किसी को भी, तो हम फिर मैसेज करने के बाद उस मैसेज को देखते हैं कि अच्छा अगला इसको इस नजर से पढ़ेगा, है ना, तब हम सोचते हैं कि अच्छा वो ये सोच के अब हंसेगा, तो हमें हंसी आती है। तो हम उस इमेजिनेटिव दुनिया में, मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर वाली, आयोटा वाली दुनिया में चले जाते हैं, सोचने लगते हैं,
तो सोचते सोचते मुझे लगता है पढ़ाई तो साइड में ही हो जाती होगी फिर। गाना, हाँ पता नहीं, मेरे से तो गाने से भी नहीं होता था क्योंकि ना वो एक होती है ना इमेजिनेटिव थिंकिंग, मुझे लगता है मेरी कुछ ज्यादा थी कि गाने अगर चल रहे हैं तो मेरे सामने ना उसका वो विजुअल वो आने लगता था कि अच्छा वो ऐसे डांस चल रहा है अभी दिमाग में। हाँ क्या? अब डांस वाले नहीं है, अब ऐसे वाले हैं, यो ये स्टेप सभी में होता है। कौन से सीरियस? चलिए जी क्या एलन वॉकर, चलिए जी फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स एट एक्स इज इक्वल टू जीरो। तो अब मुझे साइन एक्स का डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है एट एक्स इज इक्वल टू जीरो। तो डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स का मतलब क्या है कि एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स है, ठीक है, जो भी फंक्शन दे रखा है वो एफ एक्स हो गया। रुक जाओ, एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स हो गया एट एक्स इज इक्वल टू जीरो। अब देखिए मैं x इज इक्वल टू जीरो दे रखा है यानी कि a की वैल्यू जीरो है, तो f डैश a इज इक्वल टू लिमिट h टेंडिंग टू जीरो। इमेजिनेटिव थिंकिंग में पहुंच जाता है ये भी। f डैश a ना लिखकर, सॉरी मैं इसको लिखूंगा f डैश जीरो, क्योंकि एट x इज इक्वल टू जीरो पूछ रहे हैं ना, तो f जीरो प्लस h माइनस f जीरो अपॉन एच इज इक्वल टू लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो। एफ जीरो प्लस एच का मतलब क्या हो गया? एफ एच, और एफ जीरो तो एफ जीरो है ही सर ये अपॉन समझ एच। नहीं आ रहा, तो सेकंड स्टेप नहीं हो पाता, बस इतना ही हुआ। यहां तक तो हो गया, नहीं ये एफ एच वाला नहीं पता। अच्छा हाँ हो गया ठीक हाँ जीरो प्लस एनीथिंग। है। ये कई बार क्या होता है ना कि जब हम ज्यादा घबरा रहे होते हैं कि हमें लिमिट्स नहीं आता तो डेरिवेटिव्स आएगा ही नहीं, घबराहट में हमसे कोई बीच में ना कोई नाम भी पूछ रहा है ना, भाई तुम्हारा नाम क्या है क्या, तो उसमें भी ये हो जाता है। तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, जीरो में कुछ भी ऐड करोगे तो वो तो वही होगा, जीरो प्लस एच क्या हो गया एच, अच्छा ठीक मैंने है, बिना तो देखे कहा। टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और ऑफलाइन आओगे तो थोड़ी टेंशन दूर होगी, ठीक है। हाँ चलिए जी, तो एफ एच माइनस एफ जीरो अब देखिएगा एफ एच क्या होगा, जब एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स है तो एफ एच इज इक्वल टू साइन एच, जब एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स है तो एफ जीरो इज इक्वल टू साइन जीरो और अपॉन एच। अब साइन मतलब जीरो क्या सर होता है? हाँ एफ की वैल्यू साइन, दोबारा बोलो। एफ की वैल्यू साइन। भावनाओं को समझी नहीं अभी तक, ये दोनों चीजें मल्टीप्लाई नहीं हो रही हैं कि एफ मल्टीप्लाइड बाई एक्स और साइन मल्टीप्लाइड बाई एक्स, ऐसा नहीं है। फंक्शन ऑफ एक्स का मतलब ये है कि इधर जो भी एक्सप्रेशन है, इधर जो भी एक्सप्रेशन है, जैसे मान लो इससे पहले हमने करा था भाई, जैसे ये था एफ एक्स इज इक्वल टू 2x² प्लस 3x-5। तो ये जो पूरा एक्सप्रेशन होता है ना बेटा, इस पूरे एक्सप्रेशन को हम बोल देते हैं फंक्शन, इसको फंक्शन बोल देते हैं। और इसमें हमने इसको लिख दिया कि एफ, एफ मतलब फंक्शन, फंक्शन ऑफ एक्स। ऑफ एक्स का मतलब क्या है कि इस पूरे में ये 2, 3 और -5 ये तो कांस्टेंट्स हो गए, ये जो एक्स है ना ये वेरिएबल है। तो ये एफ और एक्स मल्टीप्लाइड मल्टीप्लाई नहीं हो रहे हैं, फंक्शन ऑफ एक्स है एक्चुअली, ये एफ है सिर्फ, ये सिर्फ एफ है। ब्रैकेट में एक्स लिखने का मतलब ये है कि इस पूरे एक्सप्रेशन में वेरिएबल एक्स है, मतलब एक्स बार बार वेरी करेगा, समझ गए? तो ये मत समझो कि ये तो x हो गया और ये इधर x हो गया और f इज इक्वल टू साइन, ऐसा नहीं है, समझ गए कि नहीं बताओ? ठीक यस है, मैं बता दूंगा, लिमिट्स अलग से करवा दूंगा, टेंशन मत लो, जितना बताता जा रहा हूं बस इतना करते जाओ आप, ठीक है। देखिए
अब जैसे साइन जीरो है, साइन जीरो की वैल्यू हम जानते हैं कितनी होती है, जीरो होती है, ठीक है। तो ये तो पूरा का पूरा जीरो हो गया, साइन जीरो तो जीरो हो गया। लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो साइन एच अपॉन एच, साइन एच अपॉन एच ये आ गया। इसकी वैल्यू वन होती है। लिमिट x टेंडिंग टू जीरो साइन x अपॉन x, इसकी वैल्यू वन होती है। ये लिमिट का फॉर्मूला है, ये तुम्हें नहीं आता होगा, इसकी टेंशन मत ले लेना। ये फॉर्मूला है, फॉर्मूला कि जब x टेंडिंग टू जीरो है और साइन x अपॉन x अगर आ जाए तो उसकी वैल्यू वन होती है, ठीक है। चलिए जी चले आगे। चलो अब मैं आगे चलता हूँ। जैसे एग्जाम्पल नंबर सेवन था, इसके बाद एग्जाम्पल नंबर एट देखते हैं। एग्जाम्पल एट देखिए। फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू थ्री एट एक्स इज इक्वल टू जीरो। फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू थ्री Find the derivative of fx is equal to 3 at x is equal to 0. At x is equal to 0 and at x is equal to 3. ठीक है? Derivative of fx is equal to 3. Function दे दिया fx is equal to 3. At x is equal to 0. एक तो x is equal to 0 पर निकालनी है इसकी वैल्यू, यानी कि एफ डैश जीरो निकालना है, और एक एक्स इज इक्वल टू थ्री पर निकालिए, यानी कि एफ डैश थ्री निकालना है। तो मैं क्या करता हूं इसमें देखिएगा, जैसे एफ डैश जीरो इज इक्वल टू लिमिट एफ डैश जीरो इज इक्वल टू लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो एफ जीरो प्लस एच माइनस एफ जीरो अपॉन एच इज इक्वल टू लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो। जीरो प्लस एच का मतलब तो एच हो गया बस, तो ब्रैकेट में क्या आएगा, सिर्फ एच बचेगा, एफ एच माइनस एफ जीरो अपॉन एच। अब जरा मुझे एक बात बताओ। हाँ वही तो, अब एक बात बताइए, जैसे एफ एक्स इज इक्वल टू थ्री है, तो एफ एक्स इज इक्वल टू थ्री है, यहाँ पर एक्स तो कहीं है ही नहीं। जैसे इस वाले फंक्शन में क्या था, एक्स स्क्वायर थ्री एक्स, तो यहाँ पर मैंने एक्स की वैल्यू में कुछ ना कुछ वैल्यू डाली थी। यहाँ जब एक्स ही नहीं है तो एच कहाँ पर डालोगे, कहीं डालने की जगह ही नहीं है। तो हम क्या कहेंगे कि एफ एक्स इज इक्वल टू थ्री है तो कॉन्स्टेंट फंक्शन है, तो आप एफ एच बोलोगे तो वो भी थ्री ही आएगा बस, क्योंकि उसमें एच सब्सटीट्यूट करने की जगह ही नहीं है कहीं पर। तो कांस्टेंट फंक्शन है, कांस्टेंट फंक्शन तो एज इट इज लिखा जाता है, ठीक। नहीं समझे भाई, आप ये देखो, अगर मान लो यहाँ एफ एक्स इज इक्वल टू थ्री एक्स होता तब तो मैं एफ एच इज इक्वल टू थ्री एच लिख देता, यहाँ तो कुछ है ही नहीं, यहाँ तो बस थ्री ही है। तो अब आप एफ एच लिखोगे तो भी थ्री ही आएगा, आप एफ जीरो डालोगे तो भी थ्री ही आएगा। तो कांस्टेंट फंक्शन जो है उसकी तो वैल्यू सेम ही आती है, आप कुछ भी वैल्यू डालते चले जाओ। हमने एच डाला तो भी थ्री आया, हमने जीरो डाला तो भी थ्री आया अपॉन एच। थ्री माइनस थ्री क्या हो गया, जीरो। लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो जीरो अपॉन एच। अब भाई सीधी बात है, जीरो अपॉन एनीथिंग तो जीरो होता है, तो ये तो रिजल्ट इसका जीरो ही आ गया, खत्म, तो रिजल्ट जीरो आ गया। इसीलिए जिन बच्चों ने फिजिक्स में डेरिवेटिव्स का ध्यान होगा उनको पता होगा कि कॉन्स्टेंट फंक्शन का डिफरेंशियल जीरो होता है, इसीलिए होता है जीरो, ठीक है। अब वो बोल रहे हैं एक्स इज इक्वल टू थ्री, अरे एक्स इज इक्वल टू थ्री पर निकालो, x is equal to 4 पर, 5 पर, 6 पर, किसी पर भी निकालो, सब जीरो ही आएगा। तो सिमिलरली एट x is equal to 3 जो है, इसको मैं बोलूंगा f dash 3,
ये भी जीरो ही आएगा, एफ डैश थ्री भी जीरो आएगा, क्यों? आप क्या करेंगे, जैसे यहाँ जीरो प्लस एच करा, ऐसे यहाँ पर क्या कर दो, थ्री प्लस एच माइनस एफ थ्री, क्या फर्क पड़ रहा है? आप एफ थ्री प्लस एच भी डालोगे तो यहाँ तो एच डालने की कोई जगह ही नहीं है, तो वो थ्री माइनस थ्री ही आएगा न्यूमरेटर में, जैसे यहाँ थ्री माइनस थ्री आया और जीरो बन गया, तो जीरो ही आएगा, समझ गए? ऑनलाइन वाले बताएं भाई, क्लियर? यस सर, यस सर, ठीक है जी, चलता हूँ फिर आगे मैं, फिर उसमें चलिए आज फिर इतना ही करिए, बाकी नेक्स्ट क्लास में करवाता हूँ, इतना ही करिएगा इसमें होमवर्क, होमवर्क चलिए होमवर्क भेजूंगा आपको। सुनो एक काम करना, आपको क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 एक्सरसाइज 13.2 का क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 4 तक, क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 4 तक ये करना है, ठीक? चलिए जी, ओके, थैंक यू, अभी देखो।